दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग जो है व्हाट्सएप से भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि आप किसी को भी चैटिंग करते हैं तो यहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है, आप यहां पे देख सकते हैं ये एक रुपया का सिंबल बना हुआ, यहां से क्लिक करके आप किसी को भी मनी यहां पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको क्या दिखेगा, जब यहां पे किसी को भी यहां पे कोई भी फ़ोटो या कुछ भी भेजते हैं तो यहां पे भी एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से भी आप बैंक को लिंक कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में जब होम पेज पे आते होंगे व्हाट्सएप के होम पेज पे, तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखता है ऊपर में, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी पेमेंट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। ये सेटिंग के जस्ट एक ऊपर में एक ऑप्शन है पेमेंट का, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एड पेमेंट मेथड, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी बैंक यूज करते हैं तो उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मेरे पास SBI का बैंक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, तो वेरीफाई यहाँ पे आपका हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो आपके खाते से मोबाइल नंबर लिंक है वही व्हाट्सएप में रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि वही नंबर से आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे तब आपका ये काम हो। जहाँ पे सेंड ए पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो सेंड ए पेमेंट पे क्लिक करने के बाद किसी को भी यहाँ पे इस तरह से सेंड UPID डाल के यहाँ पे किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से UPID इंटर करके। उसके बाद यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ मैनुअली दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड व्हाट्सएप का मिल जाएगा, ये अगर आप किसी को देंगे तो स्कैन करके वो आपको पे कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्कैन QR कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप किसी को पे कर सकते हैं स्कैन करके। उसके बाद नीचे में देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे जो भी आपको बैंक होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे व्यू अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, और डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड और भी कोई बैंक को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चेंज UPI पिन भी कर सकते हैं, उसके बाद फॉरगेट UPI पिन भी कर सकते हैं। तो मेरे में ऑप्शन नहीं आया UPI पिन बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे Paytm यूज करते हैं, उसमें मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको फॉरगेट करना चाहते हैं UPI पिन या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू बैलेंस, अपने अकाउंट का बैलेंस देखना चाहते हैं तो व्यू अकाउंट बैलेंस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है अपना UPI पिन इंटर करेंगे, उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो है बैलेंस इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इस व्हाट्सएप में जो बैंक ऐड किए हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमूव पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करेंगे। तो ऐसा अभी हम नहीं करेंगे, इसी से हम कुछ चैटिंग करते हैं और चैटिंग करने के बाद अगर इनको पेमेंट करना है तो यहाँ पर देखिए रुपये का एक सिम्बॉल आ जाता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इसे पे कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 रुपया यहाँ पे सेंड करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करके और यहाँ पे देखिए सेंड पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे, और ऐसा करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हमको करना पड़ेगा। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपना UPI पिन इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद राइट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी को भी पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर से रुपया वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको एरो दिया गया है इस तरह से यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, और जब चेंज करेंगे तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आएंगे बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आने के बाद यहाँ पे देखिए आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं और यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा कि हमने अभी एक ही व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया है, तो ये आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रुपया भी दिखाया जाए कितना आप ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मैनुअल मिलता है हेल्प वाला ऑप्शन, तो हेल्प इससे भी आप ले सकते, जो भी आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले उनको कहिए व्हाट्सएप में बैंक अकाउंट को लिंक करें, तब आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। तो धन्यवाद।